मैं दीपा खुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची का अचार। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम लाल मिर्च, सौंफ, राई, मेथी दाना, कलौंजी, जीरा, अखा धनिया, आमचूर पाउडर, नमक, हल्दी, हींग और आधा लीटर सरसों का तेल। अब हम सबसे पहले तेल गरम कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई लेंगे, तेल डालेंगे, तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। हमारा तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारा तेल ठंडा हो रहा है, हम मसालों को रोस्ट कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, 3 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट हो चुकी है, हमारा जीरा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे बाउल में निकालेंगे। अब हम इसमें अखा धनिया डालेंगे, 3 चम्मच अखा धनिया। अखा धनिया को भी हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट हो चुकी है, अखा धनिया रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे भी बाउल में निकाल लेंगे। अब हम सौंफ डालेंगे, 3 चम्मच सौंफ। सौंफ को भी हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, सौंफ को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे भी बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें मेथी दाना डालेंगे, 2 चम्मच मेथी दाना। इसे भी हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। सारे मसालों को धीमी आंच पर रोस्ट करें। 2 मिनट हो चुकी है, मेथी दाना को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे भी बाउल में निकाल लेंगे। मसालों को हमने रोस्ट कर लिया है, अब हम इसे जार में डालेंगे। दो चम्मच राई डालेंगे, 2 चम्मच कलौंजी डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मसालों को हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है, अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। मसाले को हमने बाउल में निकाल लिया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हींग, 2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा तेल मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम मिर्ची कट कर लेंगे। मिर्ची को हम बीच में से कट कर लेंगे। इस तरीके से मिर्ची को बीच में से कट कर ले। सारी मिर्ची को हमने बीच में से कट कर लिया है, अब हम इसमें मसाला भरेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से टाइट भरेंगे।
सारी मिर्चियों में हमने मसाला अच्छी तरीके से भर लिया है। अब हम इसे एक एक करके जार में डालेंगे। सारी मिर्ची को हमने जार में डाल दिया है। हमारा तेल ठंडा हो चुका है, अब हम तेल को जार में डालेंगे। हमने तेल को जार में डाल दिया है। तेल इतना डालें कि हमारी मिर्चियां जो है वो तेल में डूब जाए। अब हम जार को बंद करेंगे और इसे 15 दिन तक धूप में रखेंगे ताकि हमारा अचार अच्छे से तैयार हो जाए। तो तैयार है हमारा लाल मिर्च का अचार। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।